कुछ भी जहां ना था कल तक तेरा मेरा, वहां आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कश्मकश, कैसी कश्मकश। लगता है पंछी उड़ गए, कोई बात नहीं, रुबीना तो है। किसी ने ठीक ही कहा, कभी कभी दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला इंसान खुद अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाता है। थैंक यू मैम, फ्लाइट लेट हो गई। पुलिस को फोन लगाती हूँ और तुम
तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा थी। तुमने ही अकुल और शीतल को यहाँ पे बुलवाया था ना। रुबीना की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करना चाहते थे ना तुम। अब देखो क्या हालत करती है तुम्हारी। जो हालत करनी है वो बाद में कर लेना। एक्चुअली क्या ना, मुझे तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा राज पता है जो अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशहाल बन सकती है। देखा क्या जानते हो तुम? अगर तुम पुलिस को बुला लोगे तो फिर मैं बता नहीं सकूंगा, इसलिए मुझे पुलिस के हवाले मत करो और जो राज है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। बताओ क्या जानते हो तुम? साहिल को कोई बीमारी नहीं है। क्या? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ तनु, और अब तुम इसका ख्याल रखो, मैं जाता हूँ। साहिल को कुछ नहीं हुआ। जी वकील साहब, मैं समझ गया, कल सुबह बात कर लेंगे इस बारे में। हाँ आप 10 बजे आ जाइए। ठीक है मैं कल सुबह मिलता हूँ। क्या तुम परेशान क्यों लग रही हो? भैया वो भाभी कहीं गई है बाहर, अभी तक नहीं आई है। देखिए रात हो गई है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ताकि कोई बात नहीं है, आ जाएंगी। भैया चिंता की बात यह है कि उनसे कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। अरे आज अकुल और शीतल जाने वाले थे ना, जरूर उनको ड्रॉप करने गए। सब बातें ठीक है, लेकिन अगर एक फोन कर देती तो अच्छा हो जाता ना। आ जाएंगे। अच्छा सुनो काम की बात, कल सुबह लॉयर आने वाले घर पर। लॉयर क्यों? अब पूर्वा मैं चाहता हूँ कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, जीते जी उसका बंटवारा कर जाऊं तो अच्छा है। सबको कुछ ना कुछ मैं दे कर जाऊं, मुझे ऐसा लगता है। ये बताओ कि मेरी बहन को क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो देंगे आप? आप कहकर देखिए क्या चाहिए। मेरे भैया, मुझे मेरे भैया की जिंदगी चाहिए। ये भी नहीं दे सकते तो फिर एक वादा दे दीजिए कि अगले जन्म में आप और मैं फिर से दोनों एक ही मां की कोख से जन्म लेंगे। और भैया वादा कीजिए कि आप मेरे बड़े भाई बनेंगे और मैं आपकी छोटी बहन। बोलिए वादा करते हैं। वह जो चीज मेरे हाथ में नहीं उसका वादा मैं कैसे कर लूं? जो कुछ भी तुम्हारे साथ करने वाला था ना, उसके लिए तो उसे यहाँ होना ही चाहिए था। बस कीजिए तनु दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे फिर से एक गलती हो गई। मयंक ना अकुल और शीतल का नाम लेके मेरे ही साथ धोखा करना चाहता था। क्या अकुल मयंक और शीतल का नाम लेकर तुम्हारे साथ धोखा करने वाला था? इसका मतलब इसमें भी कोई बात है। रुबीना क्या बात है बताओ मुझे, तुम यहाँ पर शीतल को क्यों बुला रही थी? yes.
माफ कर दीजिए प्लीज। आप यहां नहीं आती तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। आपने ना मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। रुबीना, तुम्हें बचाकर आज जो मैंने पाया है ना वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। चलो घर चलो, तुम्हारे अम्मी को वेट कर।